Hello dear students, in today's video we will discuss a problem related to ratio and proportion. So question is, a recipe call for 2 cups of sugar for every 5 cups of flour. If you have 15 cups of flour, how much sugar do you need? Okay, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेसिपी के लिए आपको 2 कप शुगर और 5 कप फ्लोर की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब आटा और एक चीनी, ठीक है। ओके, तो 15 कप आटे के साथ कितनी शुगर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक ढंग से समझाता हूँ ना, अगर आपके आसपास अगर ये एग्जांपल देखना हो तो सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, लाइक चीनी ही लेते हैं, है ना। चीनी का कोई प्राइस होता है, चल रही होती है इतने रुपए किलो, 40 रुपए किलो प्रति किलो। ओके, लाइक चलो वो भी नहीं, शुगर भी नहीं, चलो पटेटो ले लेते हैं, पटेटो है ना, तो वो कुछ रुपए चल रहे हो, मुझे पता नहीं कितने रुपए चल रहे हैं, इससे चाहे कि चीनी ले लेते हैं। ओके, तो 40 रुपीज़ kg चल रही है चीनी, ठीक है, 40 रुपये, ऐसे ही तो लिखोगे, RS 40 रुपये प्रति 1 किलो, यही तो लिखा जाएगा। 40 रुपये जो दो आप और 1 किलो चीनी ले जाओ, ठीक है। अब आपसे बोल दिया जाए कि 2 किलो चीनी चाहिए, फिर क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे ना ऊपर नीचे। अब देखिए, 2 किलो चाहिए तो मतलब 80 रुपये देने पड़ेंगे आपको और 2 किलो ले जाओ, सिंपल। इसी तरह से अब ये एक डेफिनेट एक रेशियो तैयार हो चुका है, इसमें आप कितने भी किलो ले सकते हैं, आधा किलो भी ले सकते हैं। कैसे, अब इसको 1 को 2 से डिवाइड कर दो, 40 को भी 2 से डिवाइड कर दो, आधा किलो चीनी ले जाओ, ठीक है। मतलब ऊपर वाले को भी अगर 2 से डिवाइड किया तो 20 रुपये की आएगी आधा किलो चीनी, ठीक है। इस तरह से आप पैसे भी, अब पैसे के हिसाब से भी कर सकते हो, आपको 10 रुपये की चीनी लेनी है तो ऊपर 10 से डिवाइड करो, नीचे 10 से डिवाइड करो, फिर पता चल जाएगा कितने किलोग्राम चीनी आई है कि नहीं। सिंपल है, एक डेफिनेट रेशियो अगर तैयार हो जाए ना तो फिर हम आगे की सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी वही चीज़ बोली जाती है कि देखिए, 2 कप शुगर है और 5 कप फ्लोर है, एक डेफिनेट रेशियो दे दिया गया है, ठीक है, इसी में आपको चलना है। तो 2 कप, ठीक है, शुगर है, एंड शुगर लिख लेते हैं, और हाँ जिस रेशियो में दिया है ना उसी हिसाब से चलो, अपने हिसाब से मत बना लो कुछ भी, वरना बाद में कंफ्यूज हो जाएगा। अब देखिए, 2 ऊपर पहले बोल दिया तो 2 मैंने ऊपर रख दिया, फिर 5 कप क्या है, फ्लोर है, आटा है, ठीक है। ओके, तो अब बोला गया है कि 15 कप फ्लोर हो जाए और चीनी कितनी हो जाए, कितनी हो जाए चीनी कितनी हो जाए, ठीक है। एक तो मुझे यहाँ पे ये सीधा सीधा एक दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए, फ्लोर कितना बोला गया है, आटा 15 kg, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 5 15 और 3 2 6, तो सिंपल आंसर तैयार है कि नहीं, बिल्कुल तैयार है, 6 kg हो जाएगा। अगर 15 किलो, देखिए यहाँ पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, लाइक यही तो रेशियो, यही तो रेशियो लिखा है, 15 कप फ्लोर है, फ्लोर नीचे वाला है ना, तो मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 15, यही तो बोल रहा है, 15 कप फ्लोर तैयार हो गया, ऊपर रेशियो एकदम हमारा एकदम डेफिनेट था, तो यहाँ पे हमें पता चल गया है। अब शुगर कितनी चाहिए, 6 kg, सिंपल। लेकिन चलिए एक और तरीका है, अब लाइक ये लिखा ही था, ठीक है, अब आपको क्या नहीं पता, चीनी नहीं पता आपको कितनी लेनी है, एक्स मान लेते हैं, और जो भी होगा, मतलब 15 है ना, तो 15 नीचे लिख लिया, क्यों लिख लिया, मुझे मालूम है ना, देखिए कट जाएगा, जिस तरह से यहाँ पे था, देखिए 40 40 रुपए की थी चीनी और 1 किलो थी, ठीक है, तो इसमें कितना ही मल्टीप्लाई कर दूँ, चाहे 9 से ऊपर से भी नीचे भी 9 9 कर दूँ, तो वापस जो भी होगा ना इसके साथ में जो मल्टीप्लाई होगा कट के वापस से यही आ जाएगा। इसी तरह से 2 बाई 5 है ना, इसके साथ
भले ही यहाँ पे 15 लिखा है, लेकिन इन दी एंड ये देखिए कट के वापस यही आ जाएगा, एक डेफिनेट रेशियो है जिस तरह से यहाँ पे। अगर चलो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, पहले तो निकाल लेते हैं, लाइक 15 क्रॉस में गया और एक्स इधर रह गया, इसको कर रहे हैं, इसके बाद इस स्टेप को कर रहे हैं, ठीक है। 5 3 15, 3 2 6, आंसर देखिए आ गया शुगर के लिए। अब देखिए 6 को मैं वापस इधर ही रख देता हूँ ऊपर, ओके, तो 3 2 6, 3 5 15, वापस से 2/5 आ गया कि नहीं, जो बोल रहा था, है कि नहीं। बस आपको एक बार रेशियो पता चल गया ना, डेफिनेट रेशियो क्या है, लाइक यहाँ पे 2/5 है शुगर आप खरीद, तो बताया एग्जाम। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।